ज्ञानव्यापी को देख लीजिए, वहां वजू करने का जो फव्वारा था, ये तो दूर से ही देख के बोलने लग गए कि भाई ये तो भाई शिवलिंग है। तो ऐसे शिवलिंग तो आप हर जगह पैदा कर सकते हैं। तो शिवलिंग मतलब शिवलिंग का तो एक आकार होता है, उसमें ऊपर छेद नहीं होते, उसके नीचे पाइप नहीं लगा होता। इसमें तो नीचे पाइप भी लगा हुआ है, पानी आने की जगह भी है, फव्वारा, और वजू के लिए फव्वारा रहना तो एक नेचुरल चीज है। पर अब उसी के ऊपर विवाद, क्योंकि आपको सिद्ध करना है कैसे भी कि औरंगजेब ने तोड़ा शिवलिंग को वहां, और फिर वहां उसने शिवलिंग को वहां छुपाया क्यों, शिवलिंग को क्यों नहीं तोड़ा। ये सब एक लॉजिकल तार्किक सवाल आते हैं, और लोग तर्क को वापस नहीं लाना चाहते, भावनाओं से इतिहास को देखना चाहते हैं, और जो इतना प्रोपोगंडा किया गया है उसी के आधार पर लोग अपनी राय को बना रहे हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज बहुत ही अहम इंटरव्यू है और बहुत ही जाने माने इतिहासकार, और ये कहा जाए कि हमारे चैनल पर इतनी जानकार शख्सियतें बहुत कम हैं। आज हम राम पुनियानी जी से बात कर रहे हैं। आप मुंबई में रहते हैं, बहुत सी किताबें आपने लिखी हैं, कम्युनल पॉलिटिक्स, अंबेडकर एंड हिंदुइज्म, फासिज्म एंड संघ परिवार, कंटूर्स ऑफ हिंदू राष्ट्र, वगैरह वगैरह बहुत सी किताबें हैं, और आपने उनकी वीडियोस, उनकी किताबें पढ़ी होंगी, वीडियोस देखी होंगी। आज हमारी खुशकिस्मती है कि राम पुनियानी जी साहब से हमारा राब्ता हुआ है। राम पुनियानी जी, वेलकम है आपका, मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ज़्यादा वक्त ना लेकर के मैं सीधे सवाल पर आना चाहता हूँ कि इस वक्त बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद पर पॉलिटिक्स क्यों, क्या कुछ है इसके पीछे? आप चूंकि बहुत नजदीक से देख जानते हैं इस संगठन को भी, इस सियासी नजरिए को भी। मीडिया स्टार वर्ल्ड चैनल को फ्रीलांस स्क्रिप्ट लिखने वालों, वॉइस ओवर आर्टिस्ट्स और वीडियो एडिटर्स की जल्द जरूरत है। अपने घर से काम करने का बेहतरीन मौका। उम्मीदवार अपने बायोडेटा और एप्लीकेशन के साथ हमारे ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल है editor.mediastarworld@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 8287963622। मैसेज के शुरू में एप्लीकेशन लिखना ना भूलें। देखिए, आपका जो सवाल है कि इस वक्त क्यों, तो पहले मैं इसी बात को लेना चाहूंगा, इस वक्त क्यों। तो देखिए कि ये जो मजहब के नाम पे सियासत, यहाँ मैं फर्क करूंगा, मजहब एक चीज है जो हमको मोहब्बत सिखाती है, और मजहब के नाम की सियासत ये नफरत के आधार पे चलती है, और ये इमोशनल भावनात्मक मुद्दों को लेकर समाज में बंटवारा लाने की कोशिश करती है। तो इसी जो हमारी आजकल सबसे पावरफुल पार्टी, पावरफुल संगठन जो देश में कंट्रोल में है, वो लगातार ऐसे मुद्दों को उछालते रहे हैं, और ऐसे मुद्दों के माध्यम से ही वो अपनी सियासत को मजबूत करते हैं समाज को बांट के। तो जैसे अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे हिजाब का मुद्दा, फिर हलाल, फिर लव जिहाद, कोरोना जिहाद, लैंड जिहाद, ये सब मुद्दे वो लगातार एक के बाद एक उठाते रहे हैं। और उसी की सीरीज में, जैसे आपको याद होगा कि जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, तो उस समय नारे लगा रहे थे, ये तो केवल झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो उनके प्लान में ये सब है कि जो भी यहाँ के मुसलमान राजाओं ने या इस्लामिक कंट्रीब्यूशन है, उस कंट्रीब्यूशन को क्वेश्चन करना, उस पर सवाल खड़ा करना, और उस सवाल के माध्यम से फिर लोगों में बंटवारा करके अपने पावर को मजबूत करके अपने पॉलिटिकल एजेंडा, राजनीतिक जो उनका गोल है, उसको मजबूत करना। तो इसलिए अभी जो पुरानी चीज़ों का, पहले जो मुद्दे इन्होंने खड़े किए थे उसका प्रभाव कम हो गया, तो उसके बाद अब ये लगातार ज्ञानव्यापी, कुतुब मीनार, ताजमहल, और मैं तो अभी हैरान हो गया पढ़ के
गोवा में भी इसी प्रकार की बात की जा रही है, कर्नाटक में भी इसी प्रकार की बात की जा रही है। तो यानी जैसे ये हो गया कि 1947 के बाद देश आज़ाद हुआ तो मुख्य बातें हुई कि हमको देश में नए मंदिर बनाना है, और नए मंदिर की परिभाषा थी भाखड़ा नंगल बांध, नागार्जुन बांध, भिलाई स्टील प्लांट, IIT, एम्स, वो हमारे नए मंदिर बन रहे थे। अभी एक नया सिलसिला चालू हो गया है जहाँ मंदिर, मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजने की एक पूरा डिपार्टमेंट चल गया है, और इसमें ये काम बहुत आसान है। आप कहीं भी शक डाल दीजिए, कोई ना कोई आपको चीज़ मिल जाएगी। अब जैसे इसलिए मैं बाबरी मस्जिद का फिर से एग्जांपल देता हूँ, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया गया कि भाई भगवान राम का जन्म वहीं हुआ था, वहाँ एक मंदिर था, राम का मंदिर था, बाबर ने तोड़ा। अब जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हो उसमें जो भी टिल्ट होगा उस पर मैं नहीं जाता, पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि वहाँ मंदिर था, इसका कोई निश्चित सबूत नहीं है। भगवान राम का जन्म वहाँ हुआ था, उसका भी निश्चित सबूत नहीं है। पर 25-30 साल तक इस मुद्दे को गरमाए रखा, देश के ज़्यादा लोग इसमें विश्वास करने लग गए, और फिर लाखों कार सेवक, एक्चुअली जो ज़्यादा कार सेवक आए थे वो तो गरीब तबकों से थे, उनको भड़काया गया। जो पीछे की राजनीति करने वाले थे वो तो अपने स्टेज में बैठे थे या अपने ऑफिस से बैठ के कर रहे थे, और वो पावर में आ गए। तो ये सवाल है कि ज्ञानवापी मस्जिद का जो मुद्दा है ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है जो ये सियासत आगे समाज में ले जाना चाहती है। अच्छा पुन्यानी जी, कुछ चीजें हैं जो बहुत गौर करने की होती हैं। पिछले कुछ बरसों में जो कुछ जिस तरफ सियासत जा रही है उसमें मुसलमानों का रवैया कैसा, किस तरह से लग रहा है आपको? जो बहुत जल्दी भड़क जाते थे, बहुत जल्दी उकसावे में आ जाते थे, ये जो अब कुछ जो तब्दीली है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? चूंकि ये एक तरह से पॉलिटिकल साइंस का एक सवाल है कि आखिर इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आ गई, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, ऐसा कई बार होता है कि वो जो कहते हैं ना, दर्द का हद से गुजरना दवा हो जाता है। तो मैं कहूँगा कि मुस्लिम कौम ने जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आने के बाद जो रवैया अख्तियार किया वो तारीफ़ काबिल है, काबिल तारीफ़ है। क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई जो कोर्ट फैसला देगा हम उसको स्वीकार कर लेंगे। अब कोर्ट में भी जो टिल्ट आ चुका है, आप उसको कुछ नहीं कर सकते, वो एक लंबी प्रोसेस है। कोर्ट भी ने भी आखिर में फैसले में कहा कि हम सबूतों के आधार पर नहीं, लोगों की भावनाओं के आधार पर ये फैसला दे रहे हैं। तो मतलब ये बात तो क्लियर हो गई। तो मुस्लिम कौम एक प्रकार से इस बात को समझ चुकी है कि अगर ये मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं, बहुसंख्यक राजनीति, वो अगर फैसला कर ले तो एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ है, पॉलिटिकल पावर में वो हैं, जुडिशरी से बहुत ज़्यादा मदद की उम्मीद नहीं है, पुलिस से बहुत ज़्यादा मदद की उम्मीद नहीं है। तो ऐसे में अगर हम ज़्यादा भावनाएँ भड़काएँगे तो मुस्लिम कौम को ही नुकसान होगा, ऐसा मुझे लगता है कि एक मैच्योर रवैया उसमें आ चुका है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यही मैच्योर, परिपक्व, समझदार रवैये से आगे के मुद्दों को डील किया जाएगा। अब इस बात में कोई शक नहीं है कि मुस्लिम कौम पे ही आक्रमण हो रहे हैं, उनकी चीज़ों को ही लूटा जा रहा है। पर सवाल यह है कि आप एक ज़्यादा कह सकते हैं कोर्ट जो कहेगा हम मानेंगे, इससे ज़्यादा तो आप कर नहीं सकते। तो कोई शांतिपूर्ण तरीके से अपना जो देश में हाल है उसके बदले एक तो रवैया इस प्रकार का होना चाहिए, और दूसरा कौम के जो असली सवाल हैं, जो एजुकेशन से, शिक्षा से जुड़ा हुआ है, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, नौकरी से जुड़ा हुआ है, उस पर ही ज्यादा कौम फोकस करे तो उसकी बेहतरी उसी में है। अच्छा, इसमें एक बात और समझने की है, जो एक लंबे अरसे से 47 के बाद से गंगा जमनी तहजीब का जिक्र होता था, एक दूसरे के यहाँ त्योहारों में जाना आना, मिलना, दोस्ती, ताल्लुक, ये आम मुसलमान जिसका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, औरंगजेब ने क्या किया वो तारीख जानती है, या किसी भी बादशाह ने जो भी कुछ किया वो तारीख जानती है, उसका वो जिम्मेदार तो नहीं है। अब वो बेचारा आम मुसलमान जिसका पड़ोसी उससे नफरत करने लगा और वो महसूस होने लगा,
ऐसी सिचुएशन में तो बहुत ही अनईजी, अच्छा पूरे मुल्क के लिए ये नुकसानदेह है। आप इसको कैसे देखते हैं, वो जो सोशल फैब्रिक है वो टूटती हुई नजर आ रही है, ये इसको आपने बदलते हुए वक्त को देखा है पूरा और उस नजरिए को भी जानते हैं आरएसएस को, ये क्या कुछ है, कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, क्या होगा? देखिए इसके तो उदाहरण हमारे पड़ोसी देशों में पड़े हैं। जहां तक आप कह रहे हैं कि गंगा जमनी तहजीब, पड़ोसियों से दोस्ती, मेलजोल, एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होना, एक दूसरे के सुख दुख में शरीक होना, ये तो हमारी परंपरा का भाग रहा है और हमारा पूरा लिटरेचर उससे भरा पड़ा है। जो भक्ति सूफी परंपरा हो या गांधी मौलाना अब आज़ाद हो या हमारा आइन हो, वो सब उस बात को कहते हैं। अब हम इस रास्ते पे चले, ये रास्ता, इस रास्ते के कारण हमने देखा कि 50 साल में देश ने तरक्की भी बहुत की। जो देश में एजुकेशन बहुत कम था, स्वास्थ्य की सुविधाएं कम थी, उसमें एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ। हमारे जो एजुकेशनल साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने दुनिया में अपनी एक साख बनाई। पर जो हमारे पड़ोसी देश इस रास्ते पर चले, मजहब के सियासत के रास्ते पर चले, उनके वहाँ तो आप देख रहे हैं, श्रीलंका उसका एक उदाहरण है कि आप इसी बात को फोकस करें तो ना तो डेवलपमेंट हो सकता है, ना लोगों को बराबर खाने से मिल सकता है ना। तो मेरी ये समझ है कि वही देश तरक्की करता है कि जहाँ लोग प्यार से मिलकर मोहब्बत से रहते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन, यानी ये यूनाइटेड नेशंस का टर्म है, ये मेरा टर्म नहीं है। यूनाइटेड नेशंस ने एक रिपोर्ट में कहा है कि जो हमारी पूरी डेवलपमेंट है वो अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन के कारण होती है। और मैं उसमें यही जोड़ दूंगा कि जो धर्मों का मेल जोल, भाषाओं का मेल जोल, लोगों का मेल जोल, इसी से देश तरक्की करते हैं। और जहाँ एक मुख्य संख्या कहता है कि सब कुछ हमारा है, वहाँ वो खुद भी, वो कौम भी तरक्की नहीं करती। आप देखिए, इसका नुकसान केवल मुसलमानों को नहीं है, ये गलत फहमी है आपकी, ये मुसलमानों को तो नुकसान है ही, आदिवासी को देखिए, दलितों को देखिए, गरीब हिंदुओं को देखिए। आज सड़कों पर जितने बेरोजगार घूम रहे हैं उसमें 80% तो हिंदू हैं। तो ये जो सियासत है, ये किसी का, समाज के चंद लोग, मुट्ठी भर लोग और मुट्ठी भर विचारधारा, ये डोमिनेट करती है, ये समाज को दबाती है और पूरा देश, उसका विकास एक तरफ से रुक जाता है। फिर आप दावे करते रहो। अभी आप देखिए, दुनिया में जो डेवलपमेंट इंडाइसेस हैं, डेवलपमेंट के जो मानदंड हैं, जिसको अंग्रेजी में इंडेक्स कहते हैं, सब में इंडिया खसर रहा है पिछले 8 सालों से लगातार। आप देखिए तो वो आपका स्वास्थ्य का हो, न्यूट्रिशन का हो, बच्चों की सेहत का हो, औरतों की सेहत का हो, एजुकेशन का हो, फ्रीडम ऑफ प्रेस का हो, और जो भी फ्रीडम ऑफ रिलीजन का हो, सब में देश घसर रहा है। पिछले 8 साल से क्यों घसर रहा है? अभी तक तो हम तरक्की कर रहे थे। पहले 50 साल में तो इन देशों में हमारी तो कहीं गिनती नहीं थी। ऐसे इकोनॉमिक पावर भी हम जाने लग गए क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर आया, भिलाई स्टील प्लांट आया, दुर्गापुर राहुल के सब ये आए, भाखड़ा नंगल नागार्जुन आए, IIT और BRC आए, इन्होंने तो हमारी फाउंडेशन रखी। और आज उस फाउंडेशन से अलग चल के दूसरी फाउंडेशन रखी जा रही है, कहीं राम मंदिर का फाउंडेशन रखी जा रही है, कहीं काशी कॉरिडोर बनाया जा रहा है, कहीं बड़े पुतले बनाए जा रहे हैं। तो देश जो रास्ते पर चल रहा है, ये वो रास्ता नहीं है जिसका सपना महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल, मौलाना आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस ने देखा होगा। उन्होंने निश्चित रूप से एक सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक भारत, जहाँ सभी लोगों का विकास हो, गरीबी दूर हो और लोग इज्जत से जी सके, सभी लोग इज्जत से जी सके, ये सपना था। और हम उस सपने से विचलित हो जा रहे हैं। आज मुसलमानों में डर का माहौल है मेरे ख्याल से, और वो इस हालत पे आ गए हैं कि जो होगा हम चुप रहेंगे। तो ये जो माहौल है, ये रविंद्रनाथ टैगोर की वो जो एक बहुत महान कविता है कि प्रभु मुझे ऐसी जगह ले चल जहाँ मेरा मस्तिष्क फ्री हो, मेरा दिमाग फ्री हो, मैं आकाश में स्वतंत्र उड़ान ले सकूं। अभी तो उसके उल्टा हो रहा है। अभी पूरी प्रकार की जो आपकी इज्जत है, डिग्निटी है, स्वतंत्रता है, उस पर हमला हो रहा है। और ये मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स का परिणाम है, उसके नतीजे हमको पड़ोसी देशों में दिख रहे हैं। अच्छा अच्छा पुनियानी जी, देखिए एक लंबे अरसे तक मुसलमान भी यही समझता रहा, और वो हकीकत भी है कि अगर हिंदुओं का बड़ा तबका सेकुलर ना होता
तो शायद 1947 में ही हिंदू राष्ट्र बन जाता। अब इस वक्त जो सूरत हाल है, इस हद तक अंधभक्ति के लोगों को गोबर और पेशाब पीने तक के लिए तैयार कर लिया गया। ये बिल्कुल अनसाइंटिफिक किस्म की ऐसी चीज जो दिमाग में भर दी गई और उसके साथ साथ नफरत का भी इंजेक्शन साथ साथ दिया। अब आखिर वो जो एक अच्छी सोच उस तरह से थी कि बाकी हमारे जो हिंदू भाई हैं वो हमारे साथ खड़े हैं, इसमें जब अकेलापन महसूस करेगा मुसलमान, अगर मैं अपने आप को रख करके देखें कि जिस पर पूरी जिंदगी हमारे बुजुर्गों ने जिंदगी गुजार दी, अब हमें कहीं ऐसा लगने लगे कि शायद वो धोखा था, उनके लिए कोई राय मशवरा कुछ अगर आप देना चाहें। देखिए, मुझे लगता है वो धोखा नहीं था, सच्चाई वही होनी चाहिए थी। और जो मजहब के नाम पे सियासत करने वाले लोग लगातार पर्दे के पीछे पर्दे के सामने चुपचाप काम करते रहे, उसके जवाब में कुछ खड़ा नहीं किया गया। जो आंदोलन की वैल्यूज महात्मा गांधी और मौलाना आजाद ने सामने रखी, बाद में वो वैल्यूज के लिए समाज में जो काम होना था, ऐसा मैं खुद की आलोचना करते हुए कह रहा हूँ कि उस प्रकार का काम नहीं किया गया। जैसे अभी पंडित नेहरू की सबसे बड़ी बात थी कि वो साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक सोच कॉन्स्टिट्यूशन तक में है कि राज्य वैज्ञानिक सोच को प्रमोट करेगा। जहाँ लोग मूत्र और गोबर खाने की बात कर रहे हैं, हमारा संविधान तो इसके पूरा उलट है। और इसी को चलते अंबेडकर और नेहरू ने जो देश की आधारशिला रखी, उसमें ये सब चीजें थी और मुसलमान भी उसका एक बड़ा भाग था, पूरा भाग था, बराबरी का भाग था। तो अभी ये सवाल ये है कि जो हमारी फिरका परस्त ताकतें थी, मुस्लिम फिरका परस्त ताकतें, वो ज्यादा पाकिस्तान चली गई, और या हिंदू फिरका परस्त ताकतें कमजोर थी शुरू में, पर वो अपने आप काम में लगी रही, और उनके जवाब में जो दूसरी ताकतें थी उन्होंने ज्यादा कुछ किया नहीं। आज भी मैं आपको बता दूं कि आज भी हिंदुओं का बड़ा तबका, ये धर्मनिरपेक्ष है, ये सेक्युलर है, ये पर वो बिखरा हुआ है। वो इतने जो हिंदू कार्यकर्ता हैं जो अच्छे मूल्यों को सामने ले जाते हैं, बहुत बड़ी संख्या है उनकी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, पर सवाल यह है कि वो बिखरे हुए हैं और जो फिरका परस्त ताकते हैं वो एक मुट्ठी के समान मजबूती से खड़ी हैं। तो मुट्ठी और पंजे का मुकाबला नहीं हो सकता। और जो ताकतें, तो आप सवाल, चुनौती तो ज्यादा हिंदू कार्यकर्ताओं पे है, मुस्लिम कार्यकर्ताओं पे है कि कैसे हम एक जगह आकर इस पे एक यूनाइट करें कि सेक्युलरिज्म पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, डेमोक्रेसी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, हम आईन संविधान के रास्ते पे चलेंगे। इस पर अगर ये ताकतें आती हैं तो अभी भी मेरे ख्याल से देश को बचाया जा सकता है। अच्छा, आपने दुनिया देखी है, हालात बहुत अच्छे से जानते हैं, और आपने आरएसएस के बारे में भी काफी कुछ लिखा भी है, बोला भी है। एक सोच है जो मुसलमानों की एक इंटरनेशनल लेवल पर एक तरह से जो दुश्मन समझी जाती है, वो ज़ायनिज्म का एक नज़रिया है जो जिसके नतीजे में इज़राइल फिलिस्तीन पर कायम हुआ। आरएसएस और ज़ायनिस्ट फोर्सेस के नज़दीकी ताल्लुकात हैं, समझे जाते हैं, एक्सेप्ट किए जाते हैं बाकायदा। इसमें जो कुछ भारत में हो रहा है उसमें आपकी क्या राय है? इज़राइल का, इज़राइल के नज़रिए का, उनके मशवरों का कितना कुछ साथ है आरएसएस और बीजेपी के साथ, आपको क्या लगता है उसमें? देखिए, इनके तौर तरीके तो काफ़ी पैरेलल हैं, समांतर हैं, मिलते जुलते हैं, पर इससे ज़्यादा कोई जो संबंध होगा तो मैं उसके बारे में कह नहीं सकता। उनकी आइडियोलॉजी और इनकी आइडियोलॉजी में काफ़ी सिमिलैरिटी है, और उसके अलावा रियल में ही एक दूसरे का साथ मिलके काम कर रहे हैं क्या, इसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा राय नहीं दे सकता। पर हाँ, सोचने का तरीका काफ़ी सिमिलर है, एक सरीका है, और इन्होंने एक दूसरे से जो बात सीखी, सियासत का रवैया सीखा, उसमें सिमिलरिटी काफ़ी दिखती है। और ऐसी सिमिलरिटी, ऐसी समानता और भी दूसरी विचारधाराओं से इनकी है जो संकीर्ण होती हैं, नैरो होती हैं, और अपनी पुराने टाइम की ग्लोरी, हम पुराने समय में बहुत महान थे, हमारे पास सब कुछ था, वो
पूरा ज्ञान भी हमारे पास ही था और ये बाकी विदेशी आए, यहाँ का समाज बर्बाद कर दिया। ये कई चीजें ज़ायोनिज्म और दूसरी पॉलिटिकल विचारधाराओं में और इनमें मिलती है। तो बाकी तो इन्होंने इतने सालों से काम करके अपने लिए पूरे रिसोर्सेस जमा कर लिए हैं। रिसोर्सेस से मेरा मतलब है वैचारिक संसाधन और लोगों को ट्रेन करना, लोगों के दिमाग में एक चीज को डालना, उसको प्रोपेगेंडा करना, मीडिया पे कंट्रोल करना, सोशल मीडिया के थ्रू ऑपरेट करना, फेक मीडिया चलाना, ये सब उन्होंने उसमें एक प्रकार के मास्टरी जिसमें उसे महारत हासिल कर ली है। तो ये उनके पढ़ने का मुख्य कारण है। अच्छा, एक बात और मैं समझना चाहूंगा, आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन क्या है, जिन लोगों को मुसलमान लीडर जाहिर किया जाता है या प्रोजेक्ट किया जाता है, या जिन लोगों से सरकार बात करती है मुसलमानों का लीडर मान करके या बता करके, उनमें कितनी ईमानदारी देखते हैं आप? ये क्या वाकई वो मुसलमानों के लिए काम करते हैं या दूसरी फोर्सेस को फैसिलिटेट करने का काम करते हैं? मैं बहुत ही सिंपल, अयोध्या वाले फैसले से एक हफ्ता पहले आधी रात को हुई मुलाकात की तरफ भी है और उस तरह उस जैसे लोगों की तरफ है, आपका अपना ऑब्जर्वेशन क्या है? देखिए, मुस्लिम कौम के अंदर भी कोई एक ही प्रकार की लीडरशिप नहीं है। ऐसे भी लीडरान हुए हैं जैसे जाकिर हुसैन को आप देखिए, वहाँ से लेके आज भी मैं कई ऐसे MPs MLA को जानता हूँ जो काफ़ी प्रगतिशील हैं, जो इन सब वैल्यूज में विश्वास रखते हैं, पर उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता, क्योंकि कौम को पिछड़ा रखने के लिए बैकवर्ड लीडर जो हैं, जो वो टोपी और वो लगा के TV स्टूडियोज में बात करते हैं, उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी दिया जाता है। अभी उसके आगे की बात यह है कि RSS ने खुद मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बना लिया है और जो कुछ अपॉर्चुनिस्ट मुस्लिम्स हैं उनके साथ अवसर जो मौका परस्त मुसलमान हैं वो भी उनके साथ जुड़ गए हैं। तो मुस्लिम लीडरशिप का भी बहुत प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम ज़्यादा इसलिए हो गया है कि जो कौम में डर ज़्यादा आ जाता है, तो उस कौम में ये लोग किस प्रकार की लीडरशिप ज़्यादा ऊपर आती है। और अगर कौम लीडर रहे उसको डर ना लगे, तो उसमें से प्रोग्रेसिव अच्छे लीडर्स आने की तादाद ज़्यादा होती है। जैसे आज़ादी के आंदोलन में देखिए, अब जानने के लिए भी लोग जिन्ना को सब जानते हैं, पर जो दूसरे जो थे हमारे अल्लाह बख्श, जिन्होंने पार्टीशन का विरोध किया, लोग उसके बारे में नहीं जानते। लोग कहेंगे कि मुसलमानों के कारण पार्टीशन किया, पर अल्लाह बख्श के साथ ज़्यादा मुसलमान थे और उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया कि हम पार्टीशन का विरोध करते हैं। तो आज भी ज़्यादातर लोग अल्लाह बख्श की बात नहीं करेंगे, जिन्ना की बात करेंगे, मौलाना आज़ाद की बात नहीं करेंगे, जिन्ना की बात करेंगे। खान अब्दुल गफ्फार खान, मुझे आप बताइए उससे अच्छा बेहतरीन लीडर कौन हो सकता है कौम का? पर उस प्रकार के लीडर आज पीछे इसलिए ढकेल गए हैं क्योंकि एक जो अंग्रेजी में टर्म है गेटोइजेशन, सांप्रदायिक दंगों के कारण मुस्लिम कौम के एक भाग का गेटो, मतलब एक मोहल्ले में वो सीमित हो जाते हैं, वहाँ मौलानाओं का इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो जाता है और वहाँ फिर कुछ अवसरवादी अपॉर्चुनिस्ट लीडरशिप आ जाती है, उनका पूरा फायदा ये लोग उठाते हैं। जैसे आप तो ज़्यादा जानते, मैं चुनाव के बारे में ज़्यादा स्टडी नहीं करता, एक चुनाव है, मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो वहाँ 20-25 मुसलमानों को खड़ा कर देते हैं। वो उनके पास पैसा कहाँ से आया, कैसे खड़े हुए, इसका कोई मेरे पास सबूत तो है नहीं, पर वो एक क्लियर मामला रहता है कि भाई इनके वोट आपस में बिखर जाएँ और हमारा कैंडिडेट चुनकर आ जाए, ये उनकी टेक्निक और भी है। अच्छा, ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में आप थोड़ा सा कुछ बता सकते हैं? चूंकि उसकी बैकग्राउंड को समझना जरूरी है, मैं समझता हूँ आपने उसको बहुत नजदीक से समझने की जरूर कोशिश की होगी, आपको आपके पास वो मालूमात जरूर होंगी जिसके बारे में आज कोई बात नहीं कर रहा है। जी देखिए, अभी इसका मैं, आप तो पत्रकार हैं, आप शायद जानते होंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रविकांत को, उनके खिलाफ FIR दायर की गई है। वहाँ यूनिवर्सिटी में उनको स्टूडेंट्स ने भी घेरा और स्टूडेंट्स ने उनको इंटिमिडेट भी किया। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि प्रोफेसर रविकांत ने एक सत्य हिंदी के प्रोग्राम में ये बात कही और उन्होंने हवाला दिया डॉक्टर पट्टा भी सीतारामैया की किताब फेदर्स एंड स्टोन का। डॉक्टर पट्टा भी सीतारामैया ये कांग्रेस के अंदर थे, इन्होंने 1935 में कांग्रेस की हिस्ट्री भी लिखी। ये एक बताते हैं, उसमें वर्णन करते हैं घटना का जिसका लेख है कि भाई वहाँ कुछ दुष्कर्म हुआ था किसी रानी के साथ, इसके लिए औरंगजेब ने ये मस्जिद को
गिरवाने का आदर ऑर्डर दिया था मंदिर, तो ये मन, हाँ, ये मंदिर को तोड़ने का ऑर्डर दिया था और वहां मस्जिद बनाई थी, ये एक इंटरप्रिटेशन है। दूसरा इंटरप्रिटेशन ये है कि एक दूसरे जेएनयू के बहुत बड़े हिस्टोरियन थे प्रोफेसर पनिकर, उन्होंने लिखा कि औरंगजेब के कुछ विद्रोही मंदिर में छुपे थे इसलिए ये किया गया। अब ये दोनों बातों के बहुत डेफिनेट सबूत नहीं है, इसीलिए मैं ज़्यादा कोई भी ज़्यादा इसके बारे में नहीं कह सकता। तो वो एक जनरल थ्योरी जो इन्होंने लगाई हुई है कि औरंगजेब मंदिरों को तोड़ता था, उसी को थ्योरी को लगा के भाई उसने मंदिर तोड़वाया वगैरह वगैरह वो कर देते हैं। पर जहाँ तक औरंगजेब की, एक बात मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि उसका केवल एक चीज़ को देख के आप इसको समझ नहीं सकते। जहाँ उसने इस मंदिर को तोड़वाया वहाँ उसने कई मंदिरों को दान भी दिया, जैसे का उज्जैन में महाकाल का मंदिर है, कामाख्या देवी का मंदिर गुवाहाटी में है, वृंदावन में भगवान कृष्ण का मंदिर है। इसी औरंगजेब ने एक मस्जिद को भी तोड़वाया था गोलकुंडा में, तानाशाह उसको ट्रिब्यूट नहीं दिया, खिराज नहीं दिया, तो उसने एक मस्जिद को भी तोड़वाया था। तो ये एक थ्योरी जो पॉपुलर की गई है कि औरंगजेब हिंदू मंदिरों को तोड़वाता था, ये उसी का एक भाग है करके ये चलता है। तो जहाँ तक बाकी इसका एविडेंस है, बहुत कॉन्क्रीट हिस्ट्री नहीं है, इतना ही पता है राजा टोडरमल ने ये मंदिर बनवाया था पहले, बाद में आखिर में वो जीर्ण हो चुका था तो अहिल्याबाई होलकर ने उसका रिपेयर करवाया। और ये सब चीज़ें इतिहास की बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, जिसको सरल बात तो यही है कि राजा लोग, हिंदू राजाओं ने भी कई बार मंदिर तोड़े कश्मीर में, दूसरी जगहों पर इसको मजहब से जोड़ दिया गया है। और ये जो इतिहास को देखने का तरीका है, क्योंकि इसको मजहब से जोड़ा गया है, इसलिए ये गलत इंटरप्रिटेशन आज समाज में ज़्यादा पॉपुलर किया गया है। इससे ज़्यादा तो देखिए, अब आप बाबरी मस्जिद को ही देख लीजिए, इतने दावे किए गए थे भगवान राम का जन्म वहीं हुआ था, वहाँ मंदिर था, सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में कहा क्या कहा। तो इतिहास की चीज़ों का ऐसा आप विश्लेषण नहीं कर सकते। अभी ज्ञानव्यापी को देख लीजिए, वहाँ वजू करने का जो फव्वारा था, ये तो दूर से ही देख के बोलने लग गए कि भाई ये तो भाई शिवलिंग है। तो ऐसे शिवलिंग तो आप हर जगह पैदा कर सकते हैं। तो शिवलिंग मतलब, शिवलिंग का तो एक आकार होता है, उसमें ऊपर छेद नहीं होते, उसके नीचे पाइप नहीं लगा होता, इसमें तो नीचे पाइप भी लगा हुआ है, पानी आने की जगह भी है, फव्वारा, और वजू के लिए फव्वारा रहना तो एक नेचुरल चीज़ है। पर अब उसी के ऊपर विवाद, क्योंकि आपको सिद्ध करना है कैसे भी कि औरंगजेब ने तोड़ा शिवलिंग को वहाँ, और फिर वहाँ उसने शिवलिंग को वहाँ छुपाया क्यों, शिवलिंग को क्यों नहीं तोड़ा। ये सब एक लॉजिकल तार्किक सवाल आते हैं, और लोग तर्क को वापस नहीं लाना चाहते, भावनाओं से इतिहास को देखना चाहते हैं, और जो इतना प्रोपोगंडा किया गया है उसी के आधार पर लोग अपनी राय को बना रहे हैं। अच्छा, आखिरी सवाल, ये जो 1991 में कानून बनाया गया था, 1947 में जो हालत होगी जिस भी मजहबी मकाम की वो वैसी रखी जाएगी, आपको क्या लगता है वही हल बेहतरीन था? आप क्योंकि बहुत सी चीजें अब तक देख चुके हैं, समझ चुके हैं, आपने फसादात भी देखे होंगे, बहुत सी चीजें देखी होंगी, इसको खत्म करने का और देश को तरक्की की तरफ सीधे सीधे रास्ते पर ले जाने का रास्ता आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि 1991 में ये जो कानून बना था बहुत बेहतरीन कानून है, ये हमको इन सब विवादों से, इन सब झगड़ों से मुक्त रख के हमारा फोकस समाज के विकास के लिए लगा सकते हैं। और ये कानून को अगर वापस किया गया या उसके बदलाव लाया गया तो ये देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा और देश को पीछे धकेलने की बात होगी। 1991 का कानून बहुत बेहतरीन कानून है, उसको बनाए रखना चाहिए और उसका अमल करना चाहिए, कोर्ट्स ने, पार्लियामेंट ने, लोगों ने, सरकार ने। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब राम पुनियानी साहब, आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों से एक बार फिर कहना चाहूँगा कि जितना स्टडी और जितने फैक्ट्स आपने रखे हैं वो बहुत कम लोगों को मालूम है, और हम इसके बाद भी कोशिश करेंगे फिर कभी अगर वक्त दोबारा हमें मिला, लेकिन ये कि हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें समय दिया और हमारे दर्शकों तक आपकी बात पहुंचे, और वो भी मैं समझता हूं उन्हें आपकी बातों को पसंद करेंगे। आपने मुसलमानों के लीडरशिप के बारे में भी बताया, आपने 1991 के कानून को बेहतरीन कानून भी बताया, आपने ये भी कहा कि इतिहास को मजहब की नज़र से ना देखा जाए और मजहब की बुनियाद पर सियासत, वो सियासत नहीं जो नफरत की तरफ ले जाए, मजहब तो दोस्ती और मोहब्बत का पैगाम देती है। ये सब बातें आपने कही, बहुत बहुत शुक्रिया।
इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।